नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। पंजाब सरकार के मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा की तरफ से बटाला में प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर मंत्री बाजवा ने पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी के द्वारा बार बार तालिबानी सोच कहे जाने का जवाब देते हुए कहा, सरकार ने बटाला के विकास कार्यों को लेकर उनकी ड्यूटी लगाई है और वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएंगे। वहीं बाजवा का कहना था कि तालिबानी तो लूटने आते हैं और वो विकास के लिए आ रहे फंड्स को ना तो लूटेंगे और ना ही किसी को लूटने देंगे। वहीं बैरिंग कॉलेज के खेल मैदान से सड़क बनाने को लेकर उनका कहना था कि बटाला में हर जगह ट्रैफिक जाम रहता है, जिसे हल करने के लिए ही सरकारी जमीन जिस किसी के भी कब्जे में है उसे छुड़ाकर जनता की सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ भी GT रोड की जमीन पर कॉलेज का कब्जा है, जिसकी निशानदेही करवाकर वो जमीन छुड़वाई जा रही है ताकि सड़क को खुला कर ट्रैफिक जाम की समस्या को हल किया जा सके। वहीं बाजवा ने प्रताप बाजवा के AG अतुल नंदा के बयान पर भी कहा कि AG को हटाना और रखना मुख्यमंत्री के हाथ में है, इस पर फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। इसके साथ ही प्रताप बाजवा के बयान के सरकार के 6 मंत्री उनके साथ हैं लेकिन नौकरी चले जाने की वजह से वो कुछ बोलते नहीं हैं, इस पर मंत्री बाजवा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रताप बाजवा किसी एक मंत्री का नाम तो बताएं, उन्हें ही पूछ लिया जाएगा। वहीं मंत्री की नौकरी चले जाने पर बाजवा ने कहा, जिसको नौकरी मिल नहीं रही वो नौकरी चले जाने की बात कह रहा है। मैं कहना प्रताप जी एक मंत्री का नाम लें, एक मंत्री का नाम लैन उन पूछ लांगे। वो कहने कि नौकरी चल जानी जी उन्होंने। चलो जी नौकरी नौकरी जिन्होंने मिली नहीं वो कहंदे नौकरी चले जाए। दिल्ली दे इलेक्शन भाई दा बिगड़ वजाहता जी, वो कहंदे भाई भी को पक्के तौर ते आ गया। हां जी भाई दा बिगड़ उन्होंने वजाहता ब्याह। बहुत चंगी गल है जी, बहुत चंगी गल है वजाहता, बहुत चंगी गल है। कहंदे भाई नु पक्के तौर ते आ गया। मैं इत्थे कौन आ गया प्रताप बाजवा कहंदे। मैं कहना वो इत्थे रहन जी सदके रहन वे सी, उन्होंने की गल है जी सदके आउण जी, उन्हां दा अपना राइट है वो आप। वहीं मंत्री बाजवा ने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव को गंभीरता से देख रही है और अगर पार्टी उनकी ड्यूटी वहां लगाते हैं तो सभी वहां जाकर दिल्ली चुनावों की ड्यूटी संभालेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।